इसमें हुआ ये है कि ये मेरा एक एम्प्लॉय रजिस्टर हो गया है और विद द नेम मंदीप सिंह, और इसकी फोटो बेसिकली फेस की फोटो रजिस्टर हो गई है। अब ये दूसरा फीचर है कि हमने एक इमेज दी और हम बोल रहे हैं कि इस इमेज के बेस पे आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करो कि कौन एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय की अटेंडेंस मार्क कर दो। तो मैंने यहाँ पे सबमिट किया और यहाँ पे आप देखोगे अटेंडेंस मार्क फॉर मनदीप सिंह एंड ID 19। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और मैं एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 14 साल हो गए हैं। आई हैव वर्क विद कंपनीज लाइक सैमसंग, फिडेलिटी एंड अडोबी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया एंड टू एंड कम्प्लीट AI का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट का आइडिया या डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद प्रोजेक्ट का डेमो, प्रोजेक्ट का सोर्स कोड एंड बाकी की सारी डिटेल्स। मैं वन बाय वन सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पर्पज के लिए, जैसे कि आपका कोई पर्सनल या प्रोफेशनल लर्निंग है, या फिर जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज का कोई असाइनमेंट है, या फिर आपका कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का सबमिशन है मेजर प्रोजेक्ट का, तो अगर आप किसी भी पर्पज से इस प्रोजेक्ट को अपने लिए चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू विद द सोर्स कोड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट। सो बेसिकली मैं आपको इस प्रोजेक्ट का सेटअप आपकी मशीन पे भी कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू विद दैट। ओके, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्रोजेक्ट है क्या। जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मैंने नाम दिया है अटेंड प्रो। अटेंड प्रो बेसिकली इसमें क्या है कि ये प्रोजेक्ट इस आइडिया पे बेस्ड है कि फेस रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हम AI का यूज करके फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर हम अटेंडेंस मार्क करेंगे। सो ये एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम है और यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ फेस रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले ये इस प्रोजेक्ट का आइडिया है। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेमो की। सबसे पहले मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये मैंने ग्रेडियो का यूज करके इसका UI बनाया है, और इस ग्रेडियो का यूज करके मैंने UI बनाया है, और यहाँ पे मेरा एनाकोंडा में मेरा बैकएंड रन हो रहा है। ये मेरा प्रोजेक्ट पूरा अप एंड रनिंग है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहला फीचर जो मैं डेमो करने वाला हूँ, रजिस्टर एम्प्लॉय का। मतलब कि जैसे आप अज्यूम कर लीजिए कि आपका कोई नया एम्प्लॉय या कोई नया स्टूडेंट या कोई भी आपका जो किसी न्यू पर्सन को आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, जिसकी आप फ्यूचर में अटेंडेंस लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने एम्प्लॉय का एग्जाम्पल ले रखा है, बट यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर यूज केस एज वेल। सो इसमें हमें क्या करना है कि हम रजिस्टर में क्या करेंगे कि हम एम्प्लॉय का नेम देंगे और हम चाहें तो बाकी डिटेल भी दे सकते हैं, लेकिन टू कीप इट सिंपल मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय का नेम दिया और हम यहाँ पे एम्प्लॉय का फेस रजिस्टर करेंगे। सो फेस रजिस्टर जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, फेशियल बेसिकली लैंडमार्क्स होते हैं हमारे फेस के, कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, हम उन पॉइंट्स को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। और किस डेटाबेस में स्टोर करेंगे, इसके लिए मैंने एसक्यूएल लाइट का बेसिकली यूज किया है, और मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। सारी चीजें यहाँ से शुरू से करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली रजिस्टर में क्या करेंगे, हम इम्प्लॉय का नेम और इम्प्लॉय की एक फेस की फोटो देंगे, और वो कैसे काम करता है वो चलिए करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नेम दे देता हूँ, और नेम देने से पहले मैं आपको यहाँ पे, ये मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस में हमारी अभी जो है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे मेरे पास दो टेबल हैं, अटेंडेंस और एम्प्लॉयज, एंड तीसरी एसक्यूएलआइट सीक्वेंस। ये हमारे काम मतलब ये अभी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयज में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एम्प्लॉयज पूरा टेबल खाली है और अटेंडेंस की टेबल भी खाली है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से रजिस्टर करूंगा, और रजिस्टर करने के बाद जो है इस एम्प्लॉय की डिटेल मेरी डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका नाम दिया मनदीप सिंह, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। अब जब मैं रजिस्टर फेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से एक ऑप्शन आ जाता है, मैं वेबकैम का डायरेक्ट ओपन करके और एक इमेज कैप्चर करूंगा और फिर उस इमेज को मैं अपने बैकएंड के पास भेज दूंगा। तो इसको वो करने के लिए मुझे अपनी जो अभी करंट रिकॉर्डिंग है उसकी वीडियो बंद कर देता हूँ मैं, और इसको मैंने अभी बंद कर दिया है। और लेट्स से मैं यहाँ पे, आप मेरे माउस को फॉलो कीजिए, मैं यहाँ पे ये वेबकैम का साइन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन देता है क्लिक टू एक्सेस वेबकैम। मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ क्लिक टू एक्सेस वेबकैम। तो यहाँ पे जो है मेरा बेसिकली यहाँ पे मेरा जो है हमारा वेबकैम आ गया है, और वेबकैम आने के बाद मैं यहाँ से कैप्चर कर सकता हूँ। ये मैंने कैप्चर कर लिया है, इमेज मेरी कैप्चर हो गई है। इमेज कैप्चर होने के बाद मैं इसको जैसे ही सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगी विद दिस डिटेल, मेरा नाम और मेरी इमेज के साथ। और नाउ यू कैन सी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मनदीप सिंह, एम्प्लॉयड आईडी इज 19। अब मैं अगर बैकएंड में जाके आपको दिखाता हूँ, मेरे इसमें डेटाबेस में जाके दिखाता हूँ, तो मैंने एम्प्लॉयज में अभी तक मेरा कुछ नहीं था, मैंने अभी देखा। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी एम्प्लॉय आईडी 19 जनरेट हुई है, मेरा नेम यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फेस एम्बेडिंग आ गई। फेस एम्बेडिंग का मतलब है, फेस एम्बेडिंग का मतलब है कि मेरे फेस के जो फेसियल लैंडमार्क्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके हम उनकी एम्बेडिंग्स बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मेरी फेस की जो इमेज है उस इमेज को बेसिकली बहुत बड़ी मैट्रिक्स नंबर्स की होती है, उसको हम यहाँ पे एज ए ग्लोब ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोर करने के बाद इसमें हुआ ये है कि ये मेरा एक एम्प्लॉय रजिस्टर हो गया है और विद द नेम मनदीप सिंह, और इसकी फोटो बेसिकली फेस की फोटो रजिस्टर हो गई है, और फेस की फोटो रजिस्टर हो गई है और रजिस्टर होने के बाद वो मेरी डेटाबेस में स्टोर हो गई। ये मेरा पहला फीचर था रजिस्टर करने का। तो ऐसे ही किसी भी एम्प्लॉय को विद हिज नेम एंड फेसियल फीचर्स वी कैन स्टोर इट। अब मेरा कोई, जैसे मान लो अब मेरा कोई स्टोर हो गया है एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम बेसिकली मेरा कोई एम्प्लॉय स्टोर हो गया और मान लो अब वो सिस्टम में आ गया, अब उसको अटेंडेंस मार्क करनी है। तो ये दूसरा मॉड्यूल है मार्क अटेंडेंस का। इसमें क्या है कि जब हम यह मार्क अटेंडेंस वाली टैब पे जाते हैं, ये मार्क अटेंडेंस का बटन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, फिर से मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मैं वेबकैम से और उससे वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दूं। सो उसके लिए मैं ये वाली बेसिकली मैं यहाँ पे करता हूँ बंद लाइव फीड, और यहाँ से मैं क्लिक एक्सेस टू वेबकैम, यहाँ से मैं वेबकैम को एक्सेस कर देता हूँ। और वेबकैम को एक्सेस करने के बाद यहाँ पे मैं इस ये जो कैमरा का आइकन है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी कैप्चर हो जाएगी। ये मेरी कैप्चर हो गई है बात करते करते। एंड इफ आई से सबमिट, तो अब होगा क्या कि अब ये दूसरा फीचर है कि हमने एक इमेज दी और हम बोल रहे हैं कि इस इमेज के बेस पे आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करो कि कौन एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय की अटेंडेंस मार्क कर दो। सो मैंने यहाँ पे सबमिट किया और यहाँ पे आप देखोगे अटेंडेंस मार्क फॉर मनदीप सिंह एंड आईडी 19। सो आप देखोगे तो अब चलो अब हम अटेंडेंस वाली टेबल में भी देख लेते हैं, क्योंकि पहले अटेंडेंस वाली टेबल में कुछ भी नहीं था। और अब मैं अगर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरी अटेंडेंस की आईडी है, दिस इज माई अटेंडेंस आईडी, और एम्प्लॉय आईडी इज 19 जो मेरी मेरी एम्प्लॉय आईडी थी। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ गया कि किस टाइम पे बेसिकली एम्प्लॉय ने लॉगिन किया है, ठीक है, या उसकी अटेंडेंस मार्क हुई है। ठीक है, ये हमारा मार्क अटेंडेंस वाला दूसरा मॉड्यूल हो गया। अब तीसरा मॉड्यूल है हमारा चेक अटेंडेंस का। यहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉय की जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉय है उनकी आईडी देंगे और वो आईडी के बेस पे हम उसकी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे देता हूँ 19, 19 देने के बाद यू विल सी कि ये मुझे डिटेल दे देता है अटेंडेंस फॉर एम्प्लॉय आईडी 19, अटेंडेंस आईडी इज 10, दिस 10 प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ, आप अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं अपनी सॉरी अपनी वीडियो मैंने ऑन नहीं किया था, आप अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये आईडी जो है अटेंडेंस के रिकॉर्ड की आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी नहीं है। ये एम्प्लॉय आईडी इज 19, एम्प्लॉय का नेम है मनदीप सिंह एंड टाइम स्टैम्प है ये वाला। तो बेसिकली यहाँ पे आप किसी भी एम्प्लॉय आईडी के बेस पे जो कि आपकी डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं रजिस्टर्ड है उसकी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। अब अगर जैसे मान लो ऐसे ही बस चेक करने के लिए मैं अगर कोई ऐसी एम्प्लॉय आईडी देता हूँ जो कि डेटाबेस में है ही नहीं, तो मैं अगर देखता हूँ तो आप ये मुझे दे देगा कि नो अटेंडेंस रिकॉर्ड फाउंड फॉर एम्प्लॉय आईडी 1, क्योंकि ऐसा कोई एम्प्लॉय डेटाबेस में है ही नहीं। तो ये जो है बेसिकली ये पूरा एंड टू एंड जो है आपका वर्किंग फेस रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है। इसमें सारी डिटेल्स बैकएंड में एसक्यूएल लाइट सर्वर में स्टोर होती हैं। आप एम्प्लॉय को रजिस्टर कर सकते हो, अटेंडेंस मार्क कर सकते हो और किसी भी एम्प्लॉय आईडी की अटेंडेंस चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी डेमो की बात। डेमो की बात के बाद मैं एक चीज कवर करना चाह रहा था जो कि मैंने ड्यूरिंग द डेमो भी बोला था कि हमारे फेस के कुछ लैंडमार्क्स होते हैं।
हमारे फेस के जनरली 68 लैंडमार्क्स बताए गए हैं। तो अगर आप यहाँ बहुत आपको रिसर्च गेट पे भी या बाकी के दूसरे पोर्टल्स पे आपको बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि हर किसी के फेस के 68 लैंडमार्क्स बताए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। सो उन लैंडमार्क्स की बेसिकली हम जो है वैल्यूज मतलब इमेज में से उनकी वैल्यूज गेट करते हैं और फिर उनकी एम्बेडिंग बनाते हैं और फिर हम उनको स्टोर करते हैं। एम्बेडिंग अगर मैं प्लेन लैंग्वेज में बताऊं तो कोई ऐसा मैजिक की मतलब, क्योंकि मैं आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट सिंपल, कोई ऐसा मैजिक कि आप इमेज दोगे और वो इमेज बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी नंबर्स में इन ए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे इस बेसिकली इस इमेज में जो दिखा रखा है, तो यहाँ पे ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं और हर लैंडमार्क की कुछ वैल्यू, और ये लैंडमार्क भी एक फेस की फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही हमने जो है जब हमने इमेज कैप्चर की थी और हमने अपने आप को एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय रजिस्टर किया था, दिस वुड हैव हैपेंड इन द बैकएंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अब डेमो, पूरा डेमो के बारे में बात होगी। अब हम चलते हैं हमारे सोर्स कोड के ऊपर, कहाँ पे क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको अपने सभी को क्लोज कर देता हूँ और स्टार्टिंग से वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग से सारी चीजें डॉट आइडिया फोल्डर में कुछ नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये एक शेप प्रेडिक्टर 68 फेस लैंडमार्क्स डॉट डेट, ये एक बेसिकली आप समझ लीजिए कि ये एक लाइब्रेरी है जो कि आप यूज करते हो 68 लैंडमार्क्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये रेडली अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा फोल्डर जो है ये मेरा डेटाबेस का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटाबेस में हमने डेटाबेस के कुछ ऑपरेशंस किए हैं। डेटाबेस के सबसे पहली फाइल है डेटाबेस ऑपरेशन। इस फाइल में मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले, क्योंकि जब हम बेसिकली उससे पहले सॉरी डेटाबेस ऑपरेशंस कवर करने से पहले मैं एक ये बता देता हूँ, डेटाबेस सेटअप वाली एक ये फाइल है। ये फाइल हमें फर्स्ट टाइम रन करनी है जब हमारे पास डेटाबेस नहीं बना होगा। तो ये वाली पाइथन फाइल क्या करेगी, अगर हमारा कोई एसक्यूएल लाइट का अटेंडेंस डीबी नहीं है हमारे पास, तो वो उसको क्रिएट कर देगी और उसमें ये टेबल बना देगी, बेसिकली स्कीमा बना देगी और टेबल बना देगी बेसिकली। ठीक है, इसको दिस इज अ वन टाइम प्रोसेस। ठीक है, जब हमारा ये वन टाइम प्रोसेस हो जाता है, दूसरे में फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डेटाबेस के ऑपरेशन को डिफाइन किया। ये एड एम्प्लॉय करने वाला मेथड है, इसमें क्या करते हैं हम नेम देते हैं और फेस की एम्बेडिंग देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे रजिस्टर एम्प्लॉय किया था, यहाँ से हमने नेम दिया था और इमेज दिया था, इमेज से हमने एम्बेडिंग निकाली थी और वो एम्बेडिंग हमने यहाँ पे पास करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं और एम्बेडिंग्स गेट कर रहे हैं। एम्बेडिंग्स को हम फिर बाइट्स यानी कि ब्लॉब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको इंसर्ट कर देते हैं नेम को और उस ब्लॉब ऑब्जेक्ट को। सो आप समझ लीजिए कि उस नेम के विद रिस्पेक्ट में वो एम्बेडिंग्स यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन के फेस की एम्बेडिंग्स हैं, वो एक आपका की वैल्यू पेयर टाइप से हो गया और जो कि हम स्टोर कर लेते हैं जब हम नया एम्प्लॉय रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा गेट ऑल एम्प्लॉय एम्बेडिंग है, मतलब सेलेक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग है। इसमें आप देखोगे सेलेक्ट आईडी नेम फेस एम्बेडिंग फ्रॉम, तो ये हमने उसके लिए फंक्शन बनाया। यहाँ पे इस फाइल में जैसा नाम से पता लग रहा है डीबी ऑपरेशन, डीबी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हमें करने हैं, कनेक्शन बनाना है, एक किसी एम्प्लॉय को इंसर्ट करना है, गेट करना है, अटेंडेंस मार्क करनी है, वो सारी डिटेल्स हैं डीबी लेवल की। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, गेट ऑल बेसिकली इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि सेलेक्ट ऑल वाला ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है उसमें, जगह अगर हमें सारे एम्प्लॉय की एम्बेडिंग चाहिए फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन। मार्क अटेंडेंस में क्या है कि हम एम्प्लॉय आईडी पास करते हैं यहाँ से, और एम्प्लॉय आईडी बेसिकली हम एम्प्लॉय आईडी पास करने के बाद जो है उस एम्प्लॉय आईडी की अटेंडेंस मार्क करवा देते हैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। ठीक है, उसके बाद गेट अटेंडेंस बाय नेम, मतलब किसी एम्प्लॉय की नेम के बेस पे अटेंडेंस गेट करना, और गेट अटेंडेंस बाय आईडी एम्प्लॉय आईडी जो कि बेसिकली यहाँ पे यूज होता है गेट अटेंडेंस बाय। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी का दे के हम फैच करते हैं ना, तो बैकएंड में जो फंक्शन कॉल होता है डेटाबेस के लेवल पे वो ये वाला होता है जब हम एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उसकी डिटेल्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस सेटअप हो गया, यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड दोनों फाइलें कवर हो गई हैं।
मैं एक एक वर्ड्स नहीं कवर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि कैसे कहाँ पे कौन सी चीजें स्ट्रक्चर्ड हैं, कौन सी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे क्या चीज कर रखी है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड बाय वर्ड बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद देन वी कनेक्ट गो टू फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इज लाइक हमारा जो यूआई वाला पार्ट है, इसको मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं मॉडल्स के ऊपर। यहाँ पे हम अगर जाते हैं फेसनेट डॉट मॉडल, यहाँ पे हमने फेसनेट एक हमारी लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो के साथ, इसको हमने बेसिकली यूज किया हुआ है। बेसिकली केरास, फ्रॉम केरास फेसनेट, इम्पोर्ट फेसनेट, इसको हमने यूज किया है। ये क्या करती है कि ये इमेज के बेस पे आपको इमेज दो, जो मैंने आप थोड़ी देर पहले मैं जो आपको बता रहा था कि आपका कोई एक मैजिक बॉक्स है जिसको आप इमेज दो और वो आपको एम्बेडिंग दे देगा, वो काम ये वाली लाइब्रेरी करती है, फेसनेट लाइब्रेरी। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, फेसनेट लाइब्रेरी को या फेसनेट मॉडल को आप ऐसे समझ लीजिए, उसको हमने इनिशियलाइज करवाया, और उसको इनिशियलाइज करवा के जो हमें इमेज मिल रही है हम उस इमेज की आरजीबी फॉर्मेट में एम्बेडिंग, आरजीबी फॉर्मेट में हम वो इमेज देंगे और फिर हमें एम्बेडिंग्स मिल जाएंगी, और वो एम्बेडिंग्स आपकी एनपी एरे की फॉर्म, नंबर एरे यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। सो बेसिकली इन नटशेल हम इस वाले कोड में हम ये कर रहे हैं कि हम एक इमेज पास कर रहे हैं और इमेज से हम एम्बेडिंग्स निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये एक दूसरा मॉडल है जो कि लाइवनेस को चेक करता है। बेसिकली लाइवनेस का मतलब है कि रियल मतलब रियल इंसान की फोटो है कि नहीं, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप कैमरा के सामने किसी फोटो की फोटो ले लो, तो वो उसको अगर आपकी फेस की एम्बेडिंग मैच हो गई तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमने लाइवनेस का चेक डाला हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने प्री ट्रेंड मॉडल को, इसको जो हमारा शेप प्रेडिक्टर वाला है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि 68 लैंडमार्क्स को बेसिकली प्रेडिक्ट करता है, उसको हमने लोड किया है। उसको लोड करने के बाद यहाँ पे हम चेक लाइवनेस फंक्शन टू डिटेक्ट ब्लिंक्स एंड चेक लाइवनेस। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर आई यूजर की आईज ब्लिंक करती हैं तो देन वी कंसीडर दैट ब्लिंक इज डिटेक्टेड एंड फेस इज लाइव, अदरवाइज हम नहीं कंसीडर करते कि वो रियल यूजर है या मतलब कि रियल एम्प्लॉय है या रियल ह्यूमन बींग है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने वही सब कर रखा है, हम वो इमेज पास करते हैं, इमेज में से हम फेसेस निकालते हैं, और फिर फॉर ईच फेस हम क्या करते हैं कि आई लेफ्ट आई रेशो निकालते हैं, राइट आई रेशो निकालते हैं, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अगर लेफ्ट आई रेशो और राइट आई रेशो दोनों अगर 0.25 से कम है तो दिस मीन्स कि ब्लैंक डिटेक्टेड है, फेस इज लाइव, अदरवाइज इट इज नॉट, फेस इज नॉट लाइव, देन इट इज पॉसिबल कि आपको कोई फोटो मतलब कैमरा में किसी पर्सन की उस एम्प्लॉय की फोटो दिखा के उसकी अटेंडेंस मार्क करवाए, ठीक है। ये हमारा दूसरा जो है मॉडल्स की दूसरी फाइल हो गई। अब हम आ जाते हैं सर्विसेज फाइल के ऊपर, सर्विसेज में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा दिस इज काइंड ऑफ आवर बैकएंड, बैकएंड बेसिकली यहाँ पे जो बाकी के जैसे मॉडल वाली डेटाबेस वाली जो हमने वहां पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है उनको हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन में क्या है, रजिस्टर एम्प्लॉय, जब हम रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे हम नेम पास करते हैं और इमेज पास करते हैं, और हम चेक करते हैं कि अगर वो लाइव नहीं है तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं लाइव, लाइवनेस चेक फेल्ड, रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अदरवाइज अगर वो लाइव है तो हम उसकी फेस की एम्बेडिंग्स निकालते हैं, और अगर फेस की एम्बेडिंग्स आ गई तो हम नेम और फेस एम्बेडिंग्स को पास करके ऐड एम्प्लॉय में, जो कि हमारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा जो एड एम्प्लॉय वाला मेथड था, इसमें डेटाबेस में डीबी ऑपरेशंस में एड एम्प्लॉय का हमारा एक मेथड था विच इज दिस वन, ये कॉल होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये हमारा रजिस्टर एम्प्लॉय को रजिस्टर करने का हो गया। यहाँ पे हम एम्प्लॉय, फिर हम जो एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट होती है जब हमने यहाँ पे रजिस्टर किया था एम्प्लॉय को, यहाँ पे फर्स्ट टैब में हमने यहाँ पे जब रजिस्टर किया था तो हमने एक एम्प्लॉय आईडी जो ऑटोमेटिकली डीबी से जनरेट होती है हम वो रिटर्न कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि ये एम्प्लॉय को कि भाई ये आपकी एम्प्लॉय आईडी है, कीप इट हैंडी विद योरसेल्फ। तो हर एम्प्लॉय की, हर पर्सन की एक यूनिक आईडी हम यहाँ पे जनरेट करते हैं और वो हम उसको दे देते हैं।
दूसरा फंक्शनैलिटी है जो कि रिकॉग्नाइज एंड मार्क अटेंडेंस वाली है, जो कि विच इज मैप्ड विद दिस वन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली इम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करो और उसकी अटेंडेंस मार्क करो, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर चेक करेंगे, अगर यहाँ पे भी हम देखते हैं, अगर वो अटेंडेंस मार्क करते टाइम पे भी हम वो देखते हैं कि अगर वो लाइव फेस नहीं है तो हम उसको एक्सेस डिनाई कर देंगे, अगर लाइव फेस है तो हम उसकी फेस एम्बेडिंग्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने फेस एम्बेडिंग्स निकाल ली करंट एम्प्लॉय की, मतलब कि जो आपको जब अटेंडेंस मार्क करने जा रहा है और जो कैमरा के सामने खड़ा है, तो हमने उसकी करंट फेस एम्बेडिंग्स निकाल ली। और ये एक मेथड है गेट ऑल एम्प्लॉय एम्बेडिंग्स, यहाँ से हमने जितनी हमारे डेटाबेस में सारी एम्बेडिंग्स है वो निकाल ली। फिर हम क्या करते हैं कि हम कोसाइन सिमिलरिटी का हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको चेक करते हैं। और कोसाइन सिमिलरिटी में हम क्या करते हैं, हर बेसिकली जैसे हमारे पास 100 एम्प्लॉयज की एम्बेडिंग्स हैं और जो करंट एम्प्लॉय है उसकी एम्बेडिंग है, हम मैच करेंगे कि सबसे ज्यादा ये वाली करंट एम्बेडिंग किस दूसरी, मतलब उन सारी 100 की 100 एम्बेडिंग्स में से किसके साथ मैच हो रही है। तो हम जिस जो सबसे ज्यादा मैच हो रही होगी, तो बेस्ड ऑन दैट इट विल अंडरस्टैंड कि ओके ये इस एम्प्लॉय की एम्बेडिंग है और उस एम्प्लॉय की आईडी के बेस पे उसकी अटेंडेंस मार्क कर देगा। तो बेसिकली ऐसा होगा कि फेस के बेस पे सबसे पहले ऐसा होगा कि फेस की फोटो होगी, उसके बाद वो उसकी वो इमेज बैकएंड पे आएगी, उसकी एम्बेडिंग्स निकालेगा, उस एम्बेडिंग को, करंट एम्बेडिंग को बाकी सारी एम्बेडिंग से कंपेयर करेगा, और जिस एम्बेडिंग के साथ वो करंट एम्बेडिंग मैच करेगी उसके बेस पे फिर वो एम्प्लॉय आईडी निकालेगा और उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में जो है उसकी अटेंडेंस मार्क कर देगा। सिंपल सी बात है, मेरी फेस की एम्बेडिंग से आज भी वही है और कल भी वही होंगी, या 2 4 साल 5 साल तक वही रहेंगे, वो इतनी इजीली बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं चेंज होगी अंटिल अनलेस मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे फिर जो है हम अटेंडेंस को मार्क करवाते हैं। उसके बाद ये कोसाइन सिमिलरिटी वाला यही फंक्शन है जो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, ये हमारा हो गया सर्विसेज वाला मॉडल। उसके बाद ये मेरा अटेंडेंस डॉट डीबी जो मेरा बैकएंड है, ये हमारी एक लाइब्रेरी है जो कि हम इंस्टॉल करते हैं, डिपेंडेंसी है। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में हमारा सारी रिक्वायरमेंट्स है जो हमने यूज करी है। टेस्ट डॉट पीवाई ये बेसिकली हमारी एक, अगर हम ये कोड टेस्ट करने के लिए है, वो वाला कोड है बेसिकली जो हमारा कोड इम्प्लीमेंट हुआ है उसको टेस्ट करने के लिए है, तो ये वो वाला पार्ट है। अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड के ऊपर अगर मैं ग्रेडियो का यहाँ पे दिखाऊं, ग्रेडियो में हमने यूआई बनाई है, यहाँ पे दिस फंक्शन इज टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये फंक्शन बेसिकली उन्हीं को कॉल करता है, बैकएंड वाले फंक्शन जो है, जैसे ये कॉल करता है रजिस्टर एम्प्लॉय को, रजिस्टर एम्प्लॉय आपका कहाँ पे था, रिकोगनाइज एंड मार्क अटेंड, ये इसमें था फेस रिकोगनीशन में। तो बेसिकली हमारा मेरा यहाँ पे था सर्विसेज में, और मैं फेस रिकग्निशन में अगर जाता हूँ तो फेस रिकग्निशन में मेरा एक रजिस्टर एम्प्लॉय करके फंक्शन होगा, ये वाला जो है रजिस्टर एम्प्लॉय। इस फंक्शन को, सो बेसिकली ये वाली फेस रिकग्निशन वाली फाइल जो है मेरी बैकएंड की है, मतलब की, ठीक है, सर्वर साइड की, आप ऐसे समझ लीजिए। और इसको फिर मैंने यहाँ पे अपने फ्रंट एंड पे कॉल करवा रखा है, और यहाँ पे हम बेसिकली उसको कॉल करवाते हैं और रजिस्टर करवाते हैं। यहाँ पे भी हम वही करते हैं, इमेज और नेम पास करते हैं और वो करते हैं। उसके बाद ये मार्क अटेंडेंस वाला, इसमें मार्क अटेंडेंस वाला फंक्शन कॉल करवा रखा है, और ये गेट अटेंडेंस वाला, यहाँ पे हमने गेट अटेंडेंस वाला फंक्शन कॉल करवा रखा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बैकएंड के वन ऑन वन फंक्शन है उनको फ्रंट एंड पे मैप कर रखा है और उनको यहाँ पे कॉल करवा रखा। अब हम आ जाते हैं जो यूआई के कंपोनेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे टाइटल वगैरह है, ये हमारी फर्स्ट टैब है, मेन टैब को वो कर देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट टैब है रजिस्टर एम्प्लॉय वाली, जो कि ये वाली थी बेसिकली, ये वाली थी, तो बेसिकली जो कि हमारी ये वाली थी रजिस्टर एम्प्लॉय वाली। तो इस टैब के अंदर हमारा, मैं टैब बाय टैब कवर कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, फिर ये वेबकैम, हम क्या वेबकैम की जो इनपुट लेते हैं, जो हमारा इमेज का बॉक्स आता है ये वो वाला है, और फिर जब हम कैमरा से कैप्चर करते हैं हमारे कैंसिल और सबमिट बटन आते हैं, और फिर रजिस्टर फेस बटन के क्लिक पे हम क्या करते हैं, इन सब यूआई साइड के एलिमेंट्स को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और जब हम सबमिट बटन करते हैं, सबमिट बटन पे के क्लिक के ऊपर हमारा जो है बेसिकली ये सबमिट रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन कॉल होता है,
जो कि हमारा जो हमने शुरू में ही डिफाइन किया था ये वाला, ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, जो हमने फ्रंट एंड से इमेज और नेम कैप्चर किए हैं वो इसको दे देगा। यहाँ से फिर हमारे रजिस्टर एम्प्लॉय के पास जाएंगे, जो कि हमारा रजिस्टर एम्प्लॉय ये यहाँ पे है हमारे इस बैकएंड में, यहाँ पे आ जाएंगे, ये फिर आगे के फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, फिर डेटाबेस में डिटेल चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया फर्स्ट टैब का मोस्टली फंक्शनैलिटी जो हमारी फर्स्ट टैब की हो गई है। अच्छा, दूसरी टैब की बात करें तो यहाँ पे हमारा मार्क अटेंडेंस है, यहाँ पे हमने मार्क अटेंडेंस किया बेसिकली मार्कडाउन। उसके बाद यहाँ पे भी हमने फिर एक इमेज बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक वेबकैम, यहाँ पे भी हम मार्क अटेंडेंस में भी हम यहाँ पे जब हम मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक इमेज का ये वाला बॉक्स आ जाता है वेबकैम वाला, जहाँ से हम वेबकैम को ऑन करते हैं। तो ये वो वाला कोड है, ये वाला वेबकैम फॉर अटेंडेंस, ये जो बटन्स यूज होते हैं वो वाले हैं, और हर बटन के क्लिक के ऊपर क्या इवेंट ट्रिगर होता है वो यहाँ पे डिफाइंड है। मार्क अटेंडेंस के बटन पे क्या इवेंट ट्रिगर होना है, अटेंडेंस वेबकैम वाले बटन पे क्या इवेंट ट्रिगर होना है, और फिर जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो सबमिट बटन पे क्या इवेंट ट्रिगर होना है, वो सारे इवेंट यहाँ पे ट्रिगर डिफाइंड है। कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या इवेंट ट्रिगर होगा। तो ये सारे जो है हमारे इसके हो गए दो, सेकंड पार्ट जो है हमारा मार्क अटेंडेंस वाला। अब हमारा तीसरी बात आ जाती है चेक अटेंडेंस वाली। चेक अटेंडेंस में हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमारी एक तीसरी टैब है यहाँ पे अटेंडेंस चेक करने के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय आईडी ले रहा हूँ और चेक अटेंडेंस का मेरा बटन है यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में। हम बेसिकली ये हमारा आउटपुट वाला जहाँ पे हम डिटेल्स दिखाएंगे, और यहाँ पे चेक अटेंडेंस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं उसका इवेंट डिफाइंड है बेसिकली। उसके इवेंट पे क्या होगा, चेक अटेंडेंस वाले बटन पे अगर आप देखोगे तो चेक अटेंडेंस बाय एम्प्लॉय आईडी ये वाला मेथड कॉल होता है, जो कि शुरू में डिफाइंड था ये रहा गेट अटेंडेंस बाय एम्प्लॉय आईडी। सो बेसिकली ये वाला मेथड हमारा यहाँ पे कॉल होता है यहाँ पे जब हम चेक अटेंडेंस वाले बटन पे कॉल करते हैं। और ये मेथड क्या करता है, इन फिर ये मेथड जो फेस रिकग्निशन के अंदर चेक अटेंडेंस रिकग्नाइज एंड मार्क अटेंडेंस वाला मेथड है इसको कॉल करेगा, ये फिर आगे जाके जो करंट फेस एम्बेडिंग है उसको लेगा, बाकी की सारी एम्बेडिंग्स उनको निकालेगा, कंपेयर करेगा, चेक करेगा कि सबसे ज्यादा एम्बेडिंग्स किससे मैच कर रही हैं और उसकी अटेंडेंस मार्क कर देगा। उसके बाद जो है हाँ ठीक है, उसके बाद ये वाला हमारा हो गया, और उसके बाद ये हमारा यूआई को लॉन्च करने का है। ठीक है, ये हमारा वाला पार्ट हो गया, फ्रंट एंड का हो गया, मॉडल्स का मैंने कवर कर दिया है, सर्विसेज का मैंने कवर कर दिया है, टेस्ट डॉट पी वाई पे हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा टेस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा फाइल मैंने लिखी थी। उसके बाद ये वाली सारी डिटेल्स हो गई, यहाँ पे मेरा बैकएंड रन कर रहा है। जैसे ही मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिटेल भी दिखेंगे, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, एम्प्लॉय मनदीप सिंह रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड आईडी इज 18, फिर मैंने दूसरा रिकॉर्ड वो किया जनरेटेड आईडी इज 19, फिर मैंने अटेंडेंस मार्क करी। ठीक है, अब अगर मैं अटेंडेंस चेक करता हूँ तो यहाँ पे 19 आईडी थी मेरी, तो मैं अगर चेक करूंगा तो मेरी 19 आईडी की जो है वो बेसिकली सर्वर से सॉरी डेटाबेस से यहाँ से वो डिटेल्स लेके चला जाता है ये वाले डिटेल्स, और वो मुझे यूआई पे दिखा देता है। तो ये वाला मेरा ये वाला पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कवर्ड आई थिंक एवरीथिंग, देयर इज नथिंग इज लेफ्ट। अगेन ये मैंने एक क्विक कोड वर्क थ्रू बताया था कि बेसिकली कौन सी चीजें कहाँ पे कैसे डिफाइंड है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, वर्ड बाय वर्ड कवर करना इज बिट डिफिकल्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, इफ यू रियली नीड दिस प्रोजेक्ट फॉर एनी ऑफ योर पर्पजेज प्लीज डू लेट मी नो। मेरा नंबर मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है, और जो है आपको कमेंट्स में भी मिल जाएगा, या एंड आई कैन हेल्प यू विद द सोर्स कोड एंड सेटअप ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। And I can help you with the source code and setup of this project. And till the next video, bye bye.